हेलो गाइस, माय नेम इज रितेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है K-means क्लस्टरिंग। K-means क्लस्टरिंग एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। क्लस्टरिंग आई गेस आपको ऑलरेडी पता है, इट इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक जहां पे आप सिमिलर चीजों को एक ग्रुप में डालते हो। क्लस्टरिंग बहुत ही फेमस चीज है और बहुत जगह पे यूज होती है। अगर आपको किसी भी चीज को क्लस्टर करना है तो आप इस तरह के एल्गोरिथम्स यूज करते हो। अगर आप ई कॉमर्स डोमेन में हो तो आप कस्टमर्स को क्लस्टर करते हो। अगर आप एजुकेशन के डोमेन में, आप स्टूडेंट्स को क्लस्टर करते हो। इमेजेस को भी क्लस्टर किया जा सकता है। सो क्लस्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में और बहुत ज्यादा किया जाता है, एंड दैट इज वाई दिस एल्गोरिथम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिथम्स जो कि बहुत ही पावरफुल है, एलिगेंट है और बहुत काम आने वाला एल्गोरिथम है। सो इस वीडियो में हम लोग एंड टू एंड इस एल्गोरिथम का ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कोर इंट्यूशन समझेंगे कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा कि इस एल्गोरिथम को पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, बट इस वीडियो में लेट्स फोकस ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ दिस एल्गोरिथम। सो इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है। मान लो हमारे पास कुछ डेटा है, हम लोग एक कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हैं और हमारे पास इस साल जो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स हैं उसके CSE ब्रांच का डेटा है। उनके स्टूडेंट्स का CGPA और आई की वैल्यू मेरे पास है और मुझे उनको क्लस्टर करना है सो दैट मैं उनको अलग अलग ढंग से प्रिपेयर कर पाऊं प्लेसमेंट्स के लिए, सो दैट हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इंप्रूव हो। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। डेटा में क्या क्या है? हमारे पास CGPA है, हमारे पास IQ है और हमें उन स्टूडेंट्स को क्लस्टर करना है इनटू ग्रुप्स। ठीक है, अब ये डेटा को जब आप प्लॉट करोगे तो ये डेटा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आपको इन स्टूडेंट्स को क्लस्टर करना है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख करके आपके दिमाग में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि ये तो बहुत इजी, हमें तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है और एक क्लस्टर ये है। ये करने के लिए मुझे कोई एल्गोरिथम की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर K-means क्लस्टरिंग का क्या जरूरत? द आंसर इज कि 2D में जरूरत नहीं है। सच में आप नेकेड आई से प्लॉट करके बता सकते हो कितने क्लस्टर्स हैं और कौन सा पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा। बट वॉट इफ मेरे पास कुछ और डेटा होता, जैसे कि 10th में इतने मार्क्स हैं, एक थर्ड डेटा होता, थर्ड कॉलम होता, 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, कौन से स्टेट से है वो बच्चा, ठीक है, उसका पापा का मंथली इनकम क्या है। इस तरह से लेट्स से आपके पास 10-15 कॉलम्स होते तो आप ये ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाते, तो आप नेकेड आई से नहीं देख पाते कि कैसे क्लस्टर्स फॉर्म होंगे, और वहीं पे आपको K-means क्लस्टरिंग काम आता है। सो ऑल्दो मैं आपको 2D में समझाऊंगा ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसका रीजन ये है कि मैं आपको ग्राफ के थ्रू एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, बट इस एल्गोरिथम का असली पावर इस चीज में है कि जो काम ये 2D में कर सकता है वो काम ये 100D में भी कर सकता है। तो दैट इज वाई अगर आपके पास हायर डायमेंशनल डेटा है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास होगा, उस केस में आपको K-means बहुत काम आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एल्गोरिथम को पढ़ना। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम एसेंशियली इन 5 स्टेप्स में काम करता है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख रखा है और इन स्टेप्स को ही देख करके हम यहां पे काम करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो थोड़ा सा वियर्ड है। मैं जब पहली बार ये एल्गोरिथम पढ़ रहा था तो मुझे बहुत वियर्ड लगा। अब ये एल्गोरिथम आपको क्लस्टरिंग करके दे देगा, लेकिन इस एल्गोरिथम की एक प्रॉब्लम है। इस एल्गोरिथम को आपको बताना पड़ेगा कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। ये एल्गोरिथम खुद से फिगर आउट नहीं कर सकता कि यहां पे कितने क्लस्टर्स होंगे, मतलब इस डेटा को देख करके ये एल्गोरिथम ये नहीं बता पाएगा कि यहां पे 3 क्लस्टर्स होने चाहिए या 4। ये मेरा काम है, प्रोग्रामर का, डेटा साइंटिस्ट का, कि वो बताए कि 3 क्लस्टर्स होंगे या 4 क्लस्टर्स होंगे। अब सोच के देखो ये कितना वियर्ड है। अगर मैं हाई डायमेंशनल डेटा में हूं तो मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकता, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकता तो मैं कैसे बताऊं कि कितने क्लस्टर्स होंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। पहले एक बार हम लोग ये वर्किंग समझ लेंगे, फिर हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस इस चीज पर है कि पहले मान लेते हैं हमारा अजम्पशन ये है कि हमें पता है कि कितने क्लस्टर्स बनने हैं, तो फिर वो क्लस्टरिंग कैसे होगी पहले हम वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलता है क्लस्टर्स कितने बनने चाहिए। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हम लोग मान लेते हैं इस डेटा सेट के लिए हमारा जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है उसका वैल्यू 3 है। ठीक है, इस पूरी चीज को K से डिनोट करते हैं, यहाँ पे K-means में K यही बताता है कि आपके कितने क्लस्टर्स हैं। सो लेट्स से हमारे पास क्लस्टर्स 3, तो हमारा स्टेप 1 तो हो गया, हमने डिफाइन कर लिए कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 इज इनिशियलाइज सेंट्रोइड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
सो जब आप एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हो, आपका एल्गोरिदम क्या करता है, रैंडमली अगर आपका k इज इक्वल टू 3 है तो रैंडमली वो क्या करेगा, कोई भी तीन पॉइंट्स को सेंट्रोइड मान लेगा, सेंटर मान लेगा आपके क्लस्टर का, किसी भी तीन पॉइंट्स को रैंडमली, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है और ये तीसरा क्लस्टर है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टेप टू, हमने सेंट्रोइड्स डिफाइन कर लिए रैंडमली, ठीक है। अब यहां से मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 और 4 इस एल्गोरिथम का बैकबोन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अटेंशन के साथ देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को एक क्लस्टर असाइन करना है, ठीक है। सो यहां पे आपके पास तीन सेंट्रोइड्स हैं और सेंट्रोइड्स बेसिकली किसी भी क्लस्टर का सेंटर को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीन सेंट्रोइड्स के बेसिस पे हम सारे पॉइंट्स को एक एक क्लस्टर असाइन करेंगे। और वो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे। सो हम हर पॉइंट का तीनों क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सुनना एक बार ये बात, हम हर पॉइंट का तीनों क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, जिस भी सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस सबसे कम होगा हम उस पॉइंट को उस पर्टिकुलर सेंट्रोइड में असाइन कर देंगे, उस क्लस्टर में असाइन कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये पॉइंट है, हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, हम ये डिस्टेंस निकालेंगे और हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब यू कैन क्लियरली सी कि रेड वाला डिस्टेंस सबसे कम, इसका मतलब ये पॉइंट रेड सेंट्रोइड के सबसे पास में, तो हम इसको रेड कलर दे देंगे और हम बोल देंगे कि ये रेड क्लस्टर में आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब ऐसा ही हम बाकी क्लस्टर्स के साथ भी करते हैं। सो ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड, ये भी रेड, और ये सारे पॉइंट्स आपके ब्लू हो गए क्योंकि ये ब्लू के पास पड़ रहे हैं। और अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यहां पे हमने क्या किया कि ये वाला पॉइंट ब्लू कर दिया, ये वाला पॉइंट रेड कर दिया और ये वाला पॉइंट हमने ग्रीन कर दिया। सो हमारा स्टेप 3 इज कंप्लीट, हमने हर पॉइंट को एक क्लस्टर असाइन कर दिया, ठीक है। अब अगली चीज, मूव सेंट्रोइड। मूव सेंट्रोइड में क्या करते हो आप, कि अब सिंस आपने नए क्लस्टर्स फॉर्म किए, मतलब अगर आप ध्यान दो तो ये एक्चुअली एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, सिमिलरली आपका ये भी एक क्लस्टर है, राइट right? और सिमिलरली आपका ये ग्रीन वाला भी एक क्लस्टर है, ये भी एक क्लस्टर है। अब सिंस आपने नए क्लस्टर्स फॉर्म किए हैं, आप इन नए क्लस्टर्स का फिर से सेंट्रोइड कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने आपको बताया कि किसी भी क्लस्टर के सेंटर में होता है सेंट्रोइड। सो अगर आप इस ब्लू क्लस्टर की बात करो, तो आपको अगर इसका सेंट्रोइड निकालना है तो आप क्या करोगे, आप इन सारे ब्लू क्लस्टर वाले पॉइंट्स का सीजीपीए का मीन निकालोगे और आईक्यू का मीन निकालोगे, वही आपका नया सेंट्रोइड है। सो ऐसा करने पे हो सकता है कि आपका सेंट्रोइड कुछ यहां पे आके गिरे, ये आपका सेंट्रोइड, ठीक है। सिमिलरली रेड के लिए भी आप सेम काम करोगे, सारे रेड पॉइंट्स का आप सीजीपीए का मीन निकालोगे, आईक्यू का मीन निकालोगे और उससे हो सकता है कि आपको यहां पर आकर के रेड सेंट्रोइड मिले। और सिमिलरली ग्रीन वाले केस में हो सकता है आपको यहां पर एक सेंट्रोइड मिला। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं एक बार ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट स्टेप समझा पाऊं। सो या गाइस, मैंने रब कर दिया व्हाइट बोर्ड और ये रहे हमारे करेंटली जो हमारे क्लस्टर्स थे। सो हमने स्टेप 4 तक कर लिया, हमने सेंट्रोइड्स को मूव कर दिया। अब आते हैं हम स्टेप 5 में, जहां पे हमें चेक करना होता है कि क्या हमारा काम खत्म हो गया या नहीं, मतलब एल्गोरिदम फिनिश करना चाहिए या नहीं। अब कैसे पता चलता है कि हमारे एल्गोरिदम का काम खत्म हुआ कि नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप सिंस मल्टीपल स्टेप्स में इस एल्गोरिदम को रन करते हो, फिनिश का कंडीशन ये होता है कि आप अभी आपका सेंट्रोइड जहां पर है और इसके पिछले स्टेप में आपका सेंट्रोइड जहां पर था, वो दोनों सेंट्रोइड सेम है या फिर डिफरेंट है। मतलब सेंट्रोइड्स अगर मूव किए तो डिफरेंट है, अगर सेंट्रोइड्स मूव नहीं किए तो सेम। जैसे कि इस स्टेप में आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट स्टेप में हमारे जो सेंट्रोइड्स थे
उनसे अलग है हमारे सेंट्रोइड्स। इसका मतलब अभी हमारे एल्गोरिदम का काम खत्म नहीं हुआ है, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। और कंटिन्यू कहां से करोगे, आप वापस जाओगे स्टेप थ्री पे और आप फिर से क्लस्टर्स असाइन करोगे। सिंस आपके सेंट्रोइड्स मूव कर गए, अब आपको फिर से हर पॉइंट को एक क्लस्टर असाइन करना है, रेड ब्लू या ग्रीन। कैसे, सेम लॉजिक, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल के। सो अब अगर आप यहां पे देखो तो थोड़ा सिंपल हो गया, ये सारे पॉइंट्स क्लियरली रेड क्लस्टर के सेंट्रोइड के सबसे पास में है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी भी रेड क्लस्टर में ही जाएंगे। सिमिलरली फॉर दीज ब्लू पॉइंट्स, इनका नियरेस्ट सेंट्रोइड इज ब्लू, तो फिर ये ब्लू क्लस्टर में ही जाएंगे, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम होगी वो यहां पर है। अब यहां पर आप देखो, इन दो रेड पॉइंट्स की बात करते हैं, अब इन दो रेड पॉइंट्स का डिस्टेंस रेड वाले से कम ग्रीन वाले से, मतलब कि ये दोनों रेड पॉइंट्स एक्चुअली ग्रीन सेंट्रोइड के पास है रादर देन रेड के, तो हम इनको रीअसाइन कर देंगे टू ग्रीन क्लस्टर। सो यहां पे मैं ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूं। सिमिलरली ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, अब ये ब्लू के बदले ग्रीन के पास में, तो हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, पलट करके ग्रीन कर देंगे। एंड नाउ हमारे पास नए क्लस्टर्स आ गए, ठीक है। अब हमारा ये रहा ग्रीन क्लस्टर, ये रहा हमारा ब्लू क्लस्टर और ये रहा हमारा रेड क्लस्टर, ठीक है। अब हम मूव करेंगे स्टेप फोर पे। सिंस हमारा क्लस्टर चेंज हुआ है, हम फिर से सेंट्रोइड्स को मूव करेंगे। मूव कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हर क्लस्टर का सीजीपी और आईक्यू का मीन निकाल लेंगे और उस जगह पे हम सेंट्रोइड को पुश कर देंगे। जैसे अगर आप इस ग्रीन वाले का बात करो तो इसका मीन कहीं यहां पर आना चाहिए, यहां पर, तो हम इसको हटा करके इसको मीन बना देंगे, इसको सेंट्रोइड बना देंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन, आपका क्लस्टर का सेंट्रोइड कुछ यहां पे आना चाहिए, राइट। और इस ब्लू वाले के लिए भी आपका सेंट्रोइड मूव करके कहीं यहां पे आएगा, ठीक है। मूव सेंट्रोइड्स, ये स्टेप भी हो गया। फिर से चेक फॉर फिनिश, क्या एल्गोरिदम का काम खत्म हुआ या नहीं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके सेंट्रोइड्स मूव किए हैं, मतलब सेम नहीं है लास्ट स्टेप से, तो आपको कंटिन्यू रखना है। सो यहां पर भी हमारे सेंट्रोइड्स मूव किए हैं, इसका मतलब हमारा काम खत्म नहीं हुआ। सो वी विल गो बैक टू स्टेप थ्री, फिर से हम क्लस्टर्स असाइन करेंगे। सो फिर से हम हर पॉइंट का, हर सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकाल के क्लस्टर असाइन करेंगे। द गुड पार्ट इज कि यहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि देख लो ऑलरेडी जो क्लस्टर्स बने हुए हैं वो बेस्ट फॉर्म है, तो स्टेप थ्री में कुछ नहीं करना। फिर से स्टेप फोर में आएंगे, क्लस्टर सेंट्रोइड्स को मूव करना है। अब सिंस हमारे क्लस्टर में ही कोई चेंज नहीं हुआ था, तो फिर सेंट्रोइड की पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस स्टेप में भी आपको कुछ भी नहीं करना। अब आप आए फिनिश में, अब आपको चेक करना है कि लास्ट स्टेप में आपका जो सेंट्रोइड था और इस स्टेप में आपका सेंट्रोइड जो है, क्या वो सेम है। अगर है तो आपका काम खत्म हो गया। इस केस में यू कैन सी, सिंस हमारे सेंट्रोइड्स मूव नहीं किए, तो लास्ट स्टेप का सेंट्रोइड और इस स्टेप का सेंट्रोइड सेम है, इसका मतलब हमारे एल्गोरिथम का काम खत्म हो गया। एंड दैट इज हाउ यू फॉर्म क्लस्टर्स, ये रहे हमारे क्लस्टर्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। द गुड पार्ट अबाउट दिस एल्गोरिथम इज कि आपने इस पूरी चीज को करने के लिए सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मेट्रिक का यूज किया, और वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। आपने बस दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने को ही यूज किया है, और उस मेट्रिक की अच्छी बात यह है कि वो 2D में भी एप्लीकेबल होता है, 3D में भी एप्लीकेबल होता है, 4D में भी एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब आपने जो भी यहां पे किया, आप इसको इजीली हायर डायमेंशनल स्पेस में भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई के मींस इज सच अ पावरफुल एल्गोरिथम, ठीक है। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन निकालो, खुद से कुछ रैंडम पॉइंट्स ड्रॉ करो और उसके ऊपर के मींस चलाने का ट्राई करो, इस एल्गोरिथम को चलाने का ट्राई करो। अगर आप कर पाओगे, इसका अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स कितने होने चाहिए, ये डिस्कशन अभी बाकी है और वही हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए एक डेटा सेट के ऊपर। अब जो टेक्निक हम यूज करेंगे इस चीज को पता करने के लिए, उसका नाम है एल्बो मेथड। एल्बो मेथड बहुत ही फेमस है के मींस क्लस्टरिंग में, अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे। एल्बो जो मेथड होता है, उसमें आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो जिसको हम एल्बो कर्व बोलते हैं, ठीक है।
ये जो ग्राफ होता है ये दो क्वांटिटीज के बीच में होता है, उसमें से एक्स एक्सिस पे होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स और आपके वाई एक्सिस पे होता है एक क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू सी एस एस, या फिर इसको कभी कभी इनर्शिया भी बोला जाता है। डब्ल्यू सी एस एस का फुल फॉर्म होता है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वेयर्ड डिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। मान लो आपके पास एक क्लस्टर है, मान लो ये आपका क्लस्टर है और ये आपका सेंट्रॉइड। अगर आपको इस क्लस्टर का डब्ल्यू सी एस एस निकालना है तो आप क्या करोगे, आप इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हर पॉइंट से निकालोगे। ठीक है, मान लो ये है डी वन, ये है डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, और अब आप क्या करोगे, आप इन सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर कर दोगे और इसी को हम बोलते हैं डब्ल्यू सी एस एस फॉर दिस क्लस्टर। ठीक है, अब मान लो आपके पास दो क्लस्टर्स हैं, एक और क्लस्टर है, ये एक और क्लस्टर है, तो इस पूरे का डब्ल्यू सी एस एस कैसे निकलेगा, इस क्लस्टर का डब्ल्यू सी एस एस प्लस इस क्लस्टर का डब्ल्यू सी एस एस, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये ओवरऑल डब्ल्यू सी एस एस आ जाएगा। एक क्लस्टर का डब्ल्यू सी एस एस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है और पूरे के पूरे मल्टीपल क्लस्टर्स के लिए आप सारे डब्ल्यू सी एस एस को ऐड कर देते हो। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना होता है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स वर्सेस डब्ल्यू सी एस एस के बीच में। इस ग्राफ को हम बोलते हैं एल्बो कर्व, एल्बो कर्व, और ये कर्व आपको हेल्प करता है समझने में कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब कैसे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। लेट्स से हमारे पास ये डेटा है, दिस इज द डेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स एक एक करके बढ़ाने हैं। सबसे पहले हम एक क्लस्टर से स्टार्ट करेंगे, सो हम मान लेंगे कि ये सारा का सारा डेटा एक सिंगल क्लस्टर में आता है, इस पूरी चीज को हम एक सिंगल क्लस्टर मानेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका सेंट्रोइड कहीं यहां पर होगा। अब हम इस पूरे क्लस्टर का डब्ल्यू सी एस एस निकालेंगे। ठीक है, जब क्लस्टर्स वन है तो हम डब्ल्यू सी एस एस को कैलकुलेट करके यहां पे प्लॉट कर देंगे जो भी वैल्यू है। ठीक है, फिर हम दो क्लस्टर्स बनाएंगे, जैसे कि मान लो आपने बनाया तो ऐसा क्लस्टर बना, एक क्लस्टर ये है और दूसरा क्लस्टर ये है। अब आपने दो क्लस्टर के साथ काम किया तो अब इस वाले क्लस्टर का सेंट्रोइड यहां पे होगा, इस वाले का सेंट्रोइड यहां पे होगा। अब इन दोनों क्लस्टर्स का आप इंडिपेंडेंटली डब्ल्यू सी एस एस निकालोगे, डब्ल्यू सी एस एस वन, डब्ल्यू सी एस एस टू, उन दोनों को जोड़ दोगे और फिर जो भी नंबर आएगा उसको टू के लिए आप प्लॉट कर दोगे। सिमिलरली आप तीन क्लस्टर्स बनाओगे, आप तीन क्लस्टर्स बनाओगे। ठीक है, अब मान लो पहले वाले का सेंट्रोइड ये है, दूसरे वाले का यहां है, तीसरे वाले का यहां है, फिर आप इसका डब्ल्यू सी एस एस निकालोगे, इसका डब्ल्यू सी एस एस निकालोगे, इसका डब्ल्यू सी एस एस निकालोगे, तीनों को जोड़ दोगे और थ्री के लिए उसको प्लॉट कर दोगे। और ऐसा आप 10, 15, 20 के लिए कर सकते हो। 20 से ज्यादा करना लॉजिकल नहीं है क्योंकि 20 से ज्यादा क्लस्टर्स बनते नहीं, लॉजिकल नहीं है। आप 20 से ज्यादा कैटेगरीज में थोड़ी डिवाइड करोगे अपने कस्टमर को, कोई फायदा नहीं है। तो हमें एक्चुअली बस ये ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहां पर इस ग्राफ को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के बताना कि जब एक क्लस्टर था तो डब्ल्यू सी एस एस, मान लो हम उसको वन बोल रहे हैं, जब दो क्लस्टर्स थे तो हम उसको डब्ल्यू सी एस एस टू बोल रहे हैं जो कि दो क्लस्टर्स का सम था, और जब तीन क्लस्टर्स थे तो हम उसको डब्ल्यू सी एस एस थ्री बोल रहे हैं, तीन इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स के डब्ल्यू सी एस एस का सम है वो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिलेशनशिप ट्रू है या नहीं, ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये होगा और उससे छोटा ये होगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप क्लस्टर्स बढ़ाते जाओगे आपका डब्ल्यू सी एस एस घटता जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा डब्ल्यू सी एस एस तब रहेगा जब सिर्फ एक क्लस्टर लेके आप चल रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर इज कि ये कंडीशन ट्रू है, ऐसा सच में होता है। आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको खुद से एक इंट्यूशन आएगा कि हाँ, जब आप एक सिंगल क्लस्टर मान के डब्ल्यू सी एस एस निकालते हो तो वो नंबर सबसे बड़ा होगा। मैं इसको लॉजिकली प्रूव कर सकता हूं, सोच के देखो। मान लो यहां पे टोटल 50 पॉइंट्स हैं, मान लो टोटल 50 पॉइंट्स हैं, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बना सकते हो, द आंसर इज 50। जितने पॉइंट्स उतने क्लस्टर, यहां पे हर पॉइंट
एक क्लस्टर बन जाएगा, मतलब वो खुद ही सेंट्रोइड बन जाएगा। तो अब अगर हमें इस 50 क्लस्टर वाले डेटा के ऊपर WCSS निकालना है, तो हम हर पॉइंट का WCSS निकालेंगे। अब हर पॉइंट का WCSS कैसे निकालेंगे? उसका सेंट्रोइड का उस पॉइंट के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर का सम। अब सिंस सेंट्रोइड और पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस जीरो होगा, तो 500 पॉइंट्स के लिए WCSS जीरो होगा, और जीरो को 50 बार जोड़ोगे तब भी जीरो होगा। इसका मतलब जितने पॉइंट्स आपके पास हैं उतने क्लस्टर्स अगर आप बनाओगे तो ये WCSS का वैल्यू विल बिकम जीरो। सो ये जो कर्व होता है WCSS वर्सेस नंबर ऑफ क्लस्टर्स का, ये कर्व कुछ ऐसा होता है। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ते हैं टुवर्ड्स नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो ये जीरो हो जाता है WCSS। दैट इज हाउ दिस कर्व लुक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस ग्राफ से मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको खोजना होता है एल्बो पॉइंट। एल्बो पॉइंट, एल्बो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे ये जो डिक्रीज ऑफ WCSS है वो थोड़ा स्टेबलाइज कर जाता है। जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं कि यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पे, मतलब थोड़ा सा ग्राफ को सही बनाते हैं हम लोग, जैसे इस डेटा के ऊपर ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो यहां पर यू कैन सी कि 3 के पास जाकर के ये ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो रहा है, जो ग्राफ का स्टीपनेस है, जो स्लोप है, वो रिड्यूस हो रहा है पॉइंट नंबर 3 पे आके। तो हम बोलेंगे कि यहां पे 3 क्लस्टर्स एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ग्राफ का नेचर ऐसा है। मतलब इसको समझने का एक अच्छा तरीका यह है, मैं जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं क्लासरूम में, कि आप इस पूरी चीज को एक पहाड़ मानो और आप इस पूरे ऊपर से गिर रहे हो पहाड़ से, तो आप जब यहां पर होगे तो आपको बहुत डर लगेगा क्योंकि आप बहुत तेजी से नीचे जा रहे होगे। फिर आप जैसे ही यहां पर आओगे ना, तो यहां पे आपका स्पीड कम हो जाएगा बिकॉज स्टीपनेस कम है, तो यहां पे आके आपको थोड़ा कम डर लगेगा। तो अगर आपको एल्बो कर्व में एल्बो पॉइंट निकालना है, तो ग्राफ को देख के इमेजिन करो कि आप उस ग्राफ पे गिर रहे हो, जिस पॉइंट पे आपका डर थोड़ा कम होने लग जाए कि अब मुझे उतनी चोट नहीं लगेगी, वही आपका एल्बो पॉइंट होता है। और ये एल्बो पॉइंट का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या है कि यहां पे तो बहुत तेजी से ये डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा था, फिर यहां पे ये डिस्टेंस रिड्यूस होने का रेट घट गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक क्लस्टर लेके आप चल रहे थे तो WCSS बहुत हाई था, फिर आपने जब दो किया तो WCSS बहुत तेजी से रिड्यूस किया। इसका मतलब एक से दो क्लस्टर बनाने में बहुत फायदा हुआ, बट जैसे आप दो से तीन पे गए तो भी बहुत फायदा हुआ, लेकिन आप जैसे ही तीन से चार पे जा रहे हो तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब इसके आगे और क्लस्टर्स और ग्रुप्स बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। चार से जब पांच पे जा रहे हो तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको उस पॉइंट को पकड़ना है जहां पे फायदा होना रुक जाए। ठीक है, और वो पॉइंट यहां पे 3 है। ठीक है, अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, इसको मैं आपको एक डेटा सेट के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं कि कैसे हम एल्बो पॉइंट निकालते हैं बाय प्लॉटिंग एल्बो कर्व। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द एल्गोरिदम। आई होप मैं आपको समझा पाया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये एल्गोरिदम, बाकी जो हमने एल्गोरिदम्स पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में, बट नेक्स्ट वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे जहां पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो आपको ये एल्गोरिदम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ये भी प्लान कर रहा हूं कि मैं इस एल्गोरिदम को स्क्रैच से कोड करके दिखाऊं, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंप्रूव कर जाए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर के मींस क्लस्टरिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।